सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। तो आज हम करने वाले हैं पेपर वन के बारे में बात, ठीक है, जिसमें भी हम सिलोजिस्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सिलोजिस्म्स को हम दो या तीन पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये है जिसमें आपको दो से तीन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो दो तीन मिनट की वीडियो होगी, मैक्सिमम 5 मिनट्स की। तो इसमें आपको दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको यहीं पर बता दूंगा कि क्या बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्लियर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि आगे जो नेक्स्ट आने वाले 40 डेज हैं उनमें आपको हर रोज जो भी दो से तीन वीडियोस हर रोज बनेंगी वो आपको मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो आज का सेशन है हमारा, आज हम बात करने वाले हैं सिलोजिस्म्स की, ठीक। और लेट मी वन सेकेंड, सो सिलोजिस्म्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मी शुभम शर्मा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। एंड दिस इज पार्ट वन। देखो सिलोजिस्म्स में हम इसमें दो से तीन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि हर बार आते हैं या मैक्सिमम टाइम आते हैं, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो वही हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एक मिनट कि सिलोजिस्म में प्रिमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। प्रिमाइस एक वर्ड में एविडेंस, आधार, जिस बेस के ऊपर कंक्लूजन दे रहे हैं अपना, उसको बोलते हैं प्रिमाइस, ठीक है। तो बोलता है स्टेटमेंट यूज्ड एज प्रिमाइस, यूज्ड एज एविडेंस फॉर कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए जो एविडेंस हम रखते हैं उसको बोलते हैं हम प्रिमाइस। सेकंड आपके पास कंक्लूजन क्या होता है, तो स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय एटलीस्ट वन प्रिमाइस। कोई भी कंक्लूजन जो कि सपोर्ट किया जाए एटलीस्ट वन प्रिमाइस के साथ उसको बोलते हैं कंक्लूजन, क्लियर हो गया, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होगा, जब आपके पास प्रिमाइस और एक कंक्लूजन, एटलीस्ट देर इज अ वन प्रिमाइस एंड वन कंक्लूजन, तो उसको बोलेंगे मिला के आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ भी लिखा है एटलीस्ट वन प्रिमाइस अकॉम्पनीड विद द कंक्लूजन, क्लियर हो गया। अच्छा तो प्रिमाइस क्या हुआ, एविडेंस मतलब आधार, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ, ऐसी स्टेटमेंट जो कि सपोर्ट होती है एटलीस्ट वन प्रिमाइस से, ठीक है, वन एविडेंस से। और आर्ग्यूमेंट होता है जब आपके पास कोई भी एक प्रिमाइस और एक कंक्लूजन एटलीस्ट मिल जाए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रीमाइसेस और एक से ज्यादा कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वन प्रीमाइस और वन कंक्लूजन चाहिए तो वो आपके पास बन जाएगा आर्ग्यूमेंट। अब कुछ आपके पास प्रीमाइस इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ आपके पास कंक्लूजन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया होता है, ठीक है, और उसी सेंटेंस में प्रीमाइस भी होता है और उसी सेंटेंस में कंक्लूजन भी होता है, क्लियर। अगर तो हमें अलग अलग दिया है, जैसे प्रिमाइस लिख दिया है और कंक्लूजन लिख दिया है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि ये प्रिमाइस है ये कंक्लूजन है। बट अगर मान लो हमें एक ही सेंटेंस दिया है, उसी में ही प्रिमाइस है उसी में ही कंक्लूजन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रिमाइस है और ये कंक्लूजन है। तो उसके लिए कुछ प्रिमाइस इंडिकेटर्स होते हैं और कंक्लूजन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिमाइस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें प्रिमाइस के बारे में बताते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल बोलता है द स्टेटमेंट आफ्टर प्रिमाइस इंडिकेटर इज प्रिमाइस, ठीक है। तो बोलता है जहां भी प्रिमाइस इंडिकेटर लगा होगा उसके बाद की जो स्टेटमेंट होगी उसको बोलेंगे हम प्रिमाइस, ठीक है। प्रिमाइस इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सिंस, फॉर, गिवन दैट, फॉर द रीजन दैट, इन द व्यू फैक्ट दैट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, बोलता है सुनीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सुनीता स्कूल नहीं जा रही है सिंस शी इज नॉट वेल, जब से वो सही नहीं है। तो अब देखो सिंस यहाँ पे क्या है, प्रिमाइस इंडिकेटर है, तो हमने डेफिनेशन में बोला था कि स्टेटमेंट आफ्टर प्रिमाइस इंडिकेटर, तो प्रिमाइस इंडिकेटर के बाद की जो स्टेटमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम प्रिमाइस। तो ये देखो प्रिमाइस, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहले वाली है वो क्या है, कंक्लूजन, ठीक। अब दूसरा कंक्लूजन इंडिकेटर, सेम एज कि स्टेटमेंट आफ्टर कंक्लूजन इंडिकेटर इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। और ये आपके पास कुछ कंक्लूजन इंडिकेटर दिए हैं, देख लेना यहाँ से, देयरफॉर, दस, हेंस, सो, अकॉर्डिंगली, इट फॉलोज दैट, है ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा है एग्जाम्पल में कि सुनीता इज नॉट वेल देयरफॉर शी विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक। तो यहाँ पे देयरफॉर क्या आ गया, कंक्लूजन इंडिकेटर, तो उसके बाद की जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगा, कंक्लूजन। तो ये देखो शी विल नॉट गो टू स्कूल क्या होगा यहाँ पे, कंक्लूजन, और उससे पहली वाला लाइन जो होगी वो होगा प्रिमाइस। ये तो थी जनरल बात है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, एक डिडक्टिव एक होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव आर्गुमेंट वो होता है जब हम किसी जनरल थिंग से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ठीक है, याद रखना जनरल से स्पेसिफिक कंक्लूजन में, या आपको वैसे भी आ सकता है बाय डेफिनेशन भी।
और स्पेसिफिक कंक्लूजन से जब हम जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हो तो वो होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ऑल डॉग्स आर मैमल्स, जितने भी डॉग्स हैं वो क्या है मैमल्स हैं, एंड ऑल मैमल्स जो है वो क्या है एनिमल्स हैं। ठीक, अब मैमल्स में आपका सब कुछ आ जाता है, डॉग्स, ह्यूमंस, मतलब ऑल एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक, बट अगर मैं कंक्लूजन बोलता हूँ यहाँ पे कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो मैंने क्या बोला स्पेसिफिक बात कर दी कि जो भी जितने भी डॉग्स हैं वो क्या है एनिमल्स है। तो पहले बात हो रही थी कि मैमल्स एनिमल्स है, मैमल्स में आपका सब कुछ आ जाएगा, जनरल था, बट मैमल्स से मैं कहाँ आ गया स्पेसिफिक डॉग्स पे, तो इसका मतलब मैं जनरल से कहाँ आया स्पेसिफिक पे, तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। ठीक है, और स्पेसिफिक से जब मैं जनरल पे जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेशल बात स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ अर्थ के बारे में कि अर्थ इज अ प्लेनेट और रिवॉल्व अराउंड सन, फिर मैंने बात की मून इज अ प्लेनेट और रिवॉल्व अराउंड सन, विनस इज अ प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन, तो मतलब एक स्पेसिफिक बात कर रहा था मैं यहाँ पे। बट अब मैंने बोला कि जब ये सारे ही प्लेनेट और सन के अराउंड रिमूव कर रहे हैं, अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कंक्लूजन निकाला मैंने कि ऑल प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। तो मैंने जनरल से कहा स्पेसिफिक से कहा आ गया जनरल में, पहले एक स्पेसिफिक प्लेनेट की बात हो रही थी, अब सभी प्लेनेट्स की बात हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स मैं स्पेसिफिक से कहा आ गया जनरल में, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस में ये वाला जो होता है जैसे ये, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होता है वो माइनर आर्गुमेंट को डिनोट करता है या माइनर प्रीमाइस को डिनोट करता है। ठीक, और जो आपके पास ये लास्ट में होता है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, और ये मेजर स्टेटमेंट को डिनोट करता है। ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि डिडक्टिव क्या होती है जो जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन देता है, और जो इंडक्टिव क्या होती है जो कि स्पेसिफिक टू जनरल कंक्लूजन देता है। अब यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, आर्गुमेंट आपने देख लिया कि डिडक्टिव और इंडक्टिव होते हैं। अब डिडक्टिव में भी एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है, और इंडक्टिव में एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। ठीक, तो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है वो देखो, आपको ना इसमें जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है वैसे ही आती है, आपको तीन चार आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे ट्रू फॉल्स कर देगा, है ना, और बोलेगा कि इनमें से कौन सा वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट है, तो जो ये वाली डेफिनेशन होगी वही वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन बोलता है कि एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट इज नेसेसरी दैट इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन इज ट्रू, या कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। बोलता है कि अगर आपकी प्रीमाइसेस क्या है सभी ट्रू है, तो आपके जो कंक्लूजन है वो भी कैसे होगा ट्रू होगा। अगर ये वाली सिचुएशन है दैट मीन्स वो आपके पास कौन सा डिडक्टिव आर्गुमेंट है, वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। क्लियर, और बोलता है दैट इज इट इज इम्पॉसिबल दैट की प्रीमाइसिस आर ट्रू और कंक्लूजन इज फॉल्स, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका प्रीमाइस ट्रू हो और आपका कंक्लूजन क्या हो फॉल्स हो। और अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो इसका मतलब हमने बोला कि अगर आपके पास प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी आपका ट्रू होगा, तो ये वाली कंडीशन को बोलेंगे वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कि प्रीमाइस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर मान लो आपका प्रीमाइस हो जाती है ट्रू बट आपका कंक्लूजन क्या होता है फॉल्स, तो उस केस को बोलेंगे इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। क्लियर हो गया, देखो प्रीमाइसिस इज ट्रू और कंक्लूजन इज फॉल्स, तो उसको बोलेंगे इनवैलिड, और ये आपको एज इट इज डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर, एक आपके पास आता है क्वेश्चन में एनालॉजिकल आर्गुमेंट, ये आपको 2017 में भी आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि इनवैलिड वाला पूछा गया था। क्लियर, और अब आपके पास ये आर्गुमेंट वाला, ठीक है, तो आर्गुमेंट वाले में क्या बोलता है एनालॉजिकल आर्गुमेंट में, तो बोलता है कि व्हेन वी डिड कंपैरिजन, वेट अ मिनट, तो एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या बोलता है, बोलता है व्हेन वी डिड कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर थिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब भी हम किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करने के लिए कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, तो उसको बोलते हैं एनालॉजिकल आर्गुमेंट। और ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2017 में, और पहले से भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आया हुआ है 2017 में। ठीक, तो बोलता है देखो क्वेश्चन आया था जैसे जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट काउज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशियनिक वॉल्यूम। जैसे बोलता है जैसे हम गिलास में जो आइस क्यूब्स होती है ना, तो जब वो पिघल जाती है तब भी वाटर बाहर नहीं निकलता है, ओवरफ्लो नहीं होता है ना,
तो वैसे ही जो मेल्टिंग आइस है, मेल्टिंग सी आइस, जो सी में आपका आइस होती है जब वो मेल्ट कर जाती है तो आपका जो है ओशियन वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, डज नॉट इंक्रीज ओशियन वॉल्यूम. तो देखो ये कंपैरिजन कर रहा है इस का इसके साथ, दैट मींस ये कौन सा बोलता है, व्हिच टाइप ऑफ आर्गुमेंट इट इज, दैट इट इज एनालॉजिकल आर्गुमेंट. क्लियर? सो इस वीडियो में हमारा ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने कि एनालॉजिकल आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक, और दूसरा कि डिडक्टिव वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होता है. ये दो चीजें सीख ली, और ये होते क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक, और ये आपके प्रिमाइस इंडिकेटर्स और कंक्लूजन इंडिकेटर्स क्या होते हैं. सो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वेन डायग्राम्स, ठीक है, के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद एन इजी मेथड और रिकॉर्ड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली दो वीडियो में हम सायलॉजिज्म को खत्म कर देंगे, इससे बाहर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सो मच.